हाय एवरीवन, वेलकम टू केम क्लासेस। आज हम एंटीलोग वैल्यूज फाइंड आउट करना सीखेंगे यूजिंग एंटीलोग टेबल एंड बाय यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर एज वेल। दोनों का यूज करके देखेंगे, एंटीलोग वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। देखो, एंटीलोग होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले आप जो बहुत से न्यूमेरिकल्स है जब करते हो तो ऐसा कुछ आता है, मान लो कि लोग के कोई कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू आ गई 2.689, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई। तो अब आपको यहां से के डिटरमाइन करना है, यहाँ पे बेस 10 है, के डिटरमाइन करना है। तो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू होगी लॉग, उधर जाके एंटी लॉग बन जाता है, एंटी लॉग ऑफ 2.689, ऐसी कोई वैल्यू होगी। तो हमें ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी आनी चाहिए, एंटी लॉग ऑफ 2.689। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको समझने से पहले पहले एक दो बातें और देख लेते हैं। देखो, लॉग बेस 10 एक्स, इसकी अगर कोई वैल्यू है वाई, इसकी कोई वैल्यू है वाई, तो यहां पे एक्स अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो एक्स हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ वाई, एंटी लॉग ऑफ वाई। या फिर दो तरह से हो सकता है, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 10^y। बेस 10 है, ये 10 यहां आ जाएगा और इसकी पावर चली जाएगी वाई, बेस यहां पे आ जाएगा 10 की पावर वाई। तो मतलब एंटी लॉग ऑफ वाई हो या 10^y हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ऐसे ही अगर जैसे जो नेचुरल लॉग हो, नेचुरल लॉग को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग विद बेस ई एक्स इक्वल टू वाई, ऐसे कोई वैल्यू है तो यहां से जो एक्स आएगा दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर वाई। ई यहां पे आ जाएगा, यहां पे जो बेस 10 था वो 10 की पावर वाई आ गया था, यहां आ जाएगा ई की पावर वाई, इस तरह से। तो एंटी लॉग ऑफ वाई हो या 10^y हो, एक ही बात होती है। अगर आपने निकालना हो एंटी लॉग ऑफ 5, एंटी लॉग ऑफ 5 यानी इसका सिंपल मतलब होता है 10^5, तो ये तो ऐसे आ जाएगा सिंपली। लेकिन अगर ये चीजें हो डेसिमल में, जैसे है 2.689, तो उसका यूज, उसको निकालने के लिए हम लॉग टेबल का यूज करते हैं। तो किस तरह से वो एंटी लॉग टेबल यूज करते हैं और कैसे हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, कैसे एंटी लॉग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, वन बाय वन सीखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हमें फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ 2.367। तो इसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी इसका मतलब हमें ये फाइंड करना है, हम ये भी लिख सकते हैं 10^2.367, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये कैसे करते हैं, जो भी डेसिमल से पहले डिजिट होती है, डेसिमल से पहले जो भी होता है वो चला जाता है 10^2 में, 10^2। ये जो डेसिमल से पहले डिजिट है वो चली गई 10^2 में, 10^2। अब हमें फाइंड करना है 0.367 के लिए, तो उसके लिए हम एंटी लॉग टेबल का यूज करेंगे। ये हमारी एंटी लॉग टेबल है, इसमें 0.00 से लेके 0.99 तक वैल्यूज गिवन होती है। तो हमें करना है 0.36 की वैल्यू एट 7, 0.36 की वैल्यू देखनी है 7th कॉलम में। तो यहाँ पे है ये हमारा 0.36 और 7th कॉलम, 7 ये है, 0.36 इन 7th कॉलम, ये आ गया 2328, ये आ गया 2328। तो ये हम ऐसे लिख लेंगे 2328, और एक डिजिट के बाद, लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, यानी इसकी वैल्यू आ गई 2.328 × 10^2। देखो, ये हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो इसका कैसे यूज करेंगे हम, इसमें कोई एंटी लॉग का कॉलम नहीं गिवन होता, पर ये गिवन होता है 10^x, यानी हम कोई भी एक्स वैल्यू फीड करेंगे यहाँ पे, और ये वाला बटन क्लिक करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब एंटी लॉग फाइंड करो या 10^ फाइंड करो, एक ही मतलब होता है दोनों का। तो हम ये फाइंड करते हैं 2.367 के लिए, ये हो गया 2.367 10^x, ये वाला प्रेस करेंगे तो ये आ गया 232.8। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 10^2 है, इसको 232.8 लिखा जा सकता है। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर से, और ये फाइंड करते हैं यूजिंग एंटी लॉग टेबल। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है एंटी लॉग ऑफ 41.058, या फिर इसका मतलब है हमें फाइंड करना है 10^41.058। तो कैसे करेंगे, जो भी डेसिमल से पहले है वो 10^ में चला जाएगा, ये हो जाएगा 10^41, ये हो गया। अब हमें फाइंड करना है 0.05 की वैल्यू फॉर 8th कॉलम, 0.05, ये हमारी एंटी लॉग टेबल है। तो 0.05 की वैल्यू फॉर 8th, 0.05 ये रहा, और फिर फॉर 8th कॉलम इट इज 1143, हम यहाँ पे लिख लेंगे 1143, और एक के बाद डेसिमल लगाना है, एक डिजिट के बाद फ्रॉम लेफ्ट साइड, देन इट बिकम्स 1.143 × 10^41।
देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते तो हम टाइप करेंगे 41.058 और 10^x ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो ये आ गया देखो 1.14, इसको 3 कर सकते हैं राउंड ऑफ करके, इंटू 10^41। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके भी। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं एंटी लॉग ऑफ 0.093। इस तरह से है तो कैसे करेंगे देखो इसका ये भी मतलब है, मतलब हमें 10^0.093 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो डेसिमल से पहले जीरो है तो 10^0, तो समथिंग पावर जीरो मतलब 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, इसका कुछ मतलब नहीं होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब हमें फाइंड करना है 0.09 की वैल्यू फॉर थर्ड कॉलम। सो हेयर इज 0.09 और फॉर थर्ड कॉलम इट इज 1239। तो ये हो जाएगा 1239 और एक डिजिट के बाद लग जाएगा डेसिमल। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.239। एक बार कैलकुलेटर से फाइंड कर लेते हैं यही वैल्यू, एंटी लॉग ऑफ 0.093 यानी 0.093 10^x, तो ये हो गया 1.238। मतलब ओवरऑल इसको राउंड ऑफ करके 1.239 लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल एंटी लॉग ऑफ 0.0063 यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10^0.0063, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डेसिमल से पहले जीरो है यानी 10^0। हम क्या करेंगे 0.00 की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर सिक्स कॉलम। 0.00 ये है, फॉर सिक्स कॉलम इट इज 1014 और नेक्स्ट 3, मतलब 3 कॉलम पे इसका मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस अगर आगे एक डिजिट और हो तो मीन डिफरेंस भी फाइंड आउट करते हैं। तो 0.00 के 6 कॉलम पे तो वैल्यू देखिए आगे 1013 और 3 के लिए मेन डिफरेंस है 1, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, इट बिकम्स 1015। तो ये हो जाएगा 1.015, मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये आएगा 1.015। इट इज द वैल्यू ऑफ एंटी लॉग ऑफ 0.0063। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे देख लेते हैं 0.0063 10^x, तो ये हो गया देखो 1.01, राउंड ऑफ करके 5 लिख सकते हैं इसको। पॉजिटिव वैल्यूज का समझ लिया, अब हम देखते हैं अगर नेगेटिव वैल्यू हो तो उसका एंटी लॉग कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे देखो, यहाँ है 5.389, तो 5 से बड़ा एक इंटीजर क्या होगा 6। 6 में से इसको माइनस करो 6.00, ये हो जाएगा 5.389। 10 में से 9 गए 1 1 6 और ये 0, तो ये आ गया 0.611। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ -6 + 0.611, ऐसे लिख सकते हैं -6 + 0.611, तो ये हो जाएगा -5.389। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको। देखो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -6 मल्टीप्लाई एंटी लॉग ऑफ 0.611। तो एंटी लॉग किसी भी नंबर का, किसी इंटीजर का, तो सीधा चला जाएगा 10^-6। ये तो सिंपल हो जाएगा 10^-6। अगर ऐसे डेसिमल में है तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पे अब 0.61 की वैल्यू फाइंड करेंगे, 0.61 की वैल्यू फाइंड करेंगे फॉर फर्स्ट कॉलम बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल। सो दिस इज आवर एंटी लॉग टेबल, 0.61 की वैल्यू, 0.61 की वैल्यू फर्स्ट पे, तो 0.61 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम इट इज 4.4083, ये हो जाएगी वैल्यू, और इसको हम ऐसे लिखेंगे 4.083। तो आंसर हो गया हमारा इसका 4.083 इंटू 10^-6। एक बार साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी देख लेते हैं। सो दिस इज आवर साइंटिफिक कैलकुलेटर, हमें फाइंड करना है फॉर -5.389 यानी -5.389। पहले इसको माइनस बना दिया, ये माइनस हो गया, अब करेंगे 10^x, तो ये आ गया देखो 4.083 इंटू 10^-6। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एंटी लॉग ऑफ -0.0921, तो इसको भी पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव बनाएंगे तो जीरो से बड़ा होता है 1, तो 1 में से एक बार इसको माइनस करके देख लेते हैं 1.0000, इट इज 0.0921 97090, तो ये हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं एंटी लॉग ऑफ -1 + 0.9079,
ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ माइनस वन मल्टीप्लाई एंटी लॉग ऑफ 0.9079। तो ये तो सीधा हो जाएगा 10^-1, सीधा हो गया तो 10^-1। और इसको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एंटी लॉग टेबल, हम फाइंड करेंगे 0.90 की वैल्यू एट 7 कॉलम और 9 पे उसका मीन डिफरेंस फाइंड करेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो हमें फाइंड करनी है 0.90 की वैल्यू फॉर 7th कॉलम, यहाँ पे है ये हमारा 0.90, 7th कॉलम ये होगा 8072, 8072 ये 7th कॉलम और 9 पे इसका मीन डिफरेंस, ये वाला 9th कॉलम है, 9 पे इसका मीन डिफरेंस ये हो गया 17, दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पे ये वैल्यू आएगी 9808, तो ये आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 8.089, क्योंकि ये 10^-1 है तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.8089। ये आ गई एंटी लॉग की वैल्यू फॉर -0.0921। कैलकुलेटर से देखते हैं, इट इज -0.0921, ये हो गया। अब 10^ करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 0.8089, तो यही हमारा आंसर आया 0.8089। तो ऐसे हम एंटी लॉग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं सिंपली उनकी तो सीधा 10^ में वैल्यू चली जाती है। जैसे हम करें अगर लॉग एंटी लॉग सॉरी एंटी लॉग जीरो की वैल्यू क्या होगी, तो इट इज 10^0 दैट इज 1। देखो इसका उल्टा भी होता है, लॉग 1 होता है 0 और एंटी लॉग ऑफ 0 इज 1, इस तरह से। तो अगर है वो एंटी लॉग 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इट इज 10^1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10^, तो अगर इंटीजर है वो तो सीधा 10^ में चला जाएगा, और अगर इस तरह डेसिमल में है तो उसका हम ऐसे टेबल यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब दो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है एंटी लॉग ऑफ 5.9267 एंड एंटी लॉग ऑफ -3.7192 बाय यूजिंग लॉग टेबल। एंटी लॉग टेबल है वो यूज करके तब फाइंड करनी है, जो भी इनका आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।